ओके, नाउ वी हैव द पोजिशनल चेंजेस एंड इनर्वेशन ऑफ द डायफ्राम। ब्रीफ ओवरव्यू है, ज़्यादा डिटेल वाला नहीं है। इसके अंदर आपने क्या करना है, 4, 6, 8 याद रखना है कि फोर्थ वीक के अंदर, जो फोर्थ वीक ऑफ जेस्टेशन होता है ना, और इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो सेप्टम ट्रांसवर्सम या फिर डायफ्राम कह दो कि हमारे पास लाइकर होता है ऑपोजिट टू द थर्ड टू फिफ्थ सर्वाइकल सोमाइट्स। अच्छा, डायफ्राम है ना, डायफ्राम डी से याद रखना है कि डायफ्राम हमारे पास डिसेंट करेगा। इसकी पोजिशनल चेंजेस क्या होंगी, हमारे पास डिसेंट करेगा डी से। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास लाइक करेगा थर्ड टू फिफ्थ सर्वाइकल सोमाइट्स इन एट फोर्थ वीक ऑफ जेस्टेशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिक्स वीक। सिक्स वीक में हमारे पास डिसेंट करके कहाँ चला जाएगा, थोरैसिक सोमाइट्स के लेवल पर। पहले कहाँ था, सर्वाइकल सोमाइट्स के लेवल पर था, फिर आ जाएगा थोरैसिक सोमाइट्स के लेवल पर। फिर जो एट्थ वीक होता है ना, एट्थ वीक में हमारे पास जो डोर्सल पार्ट ऑफ डायफ्राम होता है लाइज एट द लेवल ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टीब्रा। यानी कि पहले कहाँ था, पहले थर्ड टू फिफ्थ सर्वाइकल सोमाइट्स के लेवल पर था, फिर थोरैसिक सोमाइट्स के लेवल पर था, फिर फर्स्ट लंबर वर्टीब्रा के लेवल पर आ जाएगा हमारे पास डोर्सल पार्ट ऑफ डायफ्राम। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, चलो एमसीक्यू या वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेंगे, हमारे पास जो फ्रेनिक नर्व्स होती हैं ना, वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट्स होती हैं। और साथ ही साथ फिर आ जाती है इनर्वेशन। इनर्वेशन का हमें पता है हमारे पास जो फ्रेनिक नर्व होती है ना, वो हमारी जो डायफ्राम होती है उससे इनर्वेट करी होती है।